अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम हमजा इस्माइल भट्टी है और मेरा प्रिंटिंग का काम है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि लेटर पैड बाइंड कैसे करते हैं। बताओ बताओ ना। जी तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि पैड काउंटिंग कैसे होती है, जो पैड्स होते हैं कि पैड्स की फॉर्म में कैसे आते हैं। पहले पेपर प्रिंट होता है, वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि प्रिंटिंग कैसे होती है। तो अब आपको हम आगे दिखाना जा रहे हैं कि पैड कैसे काउंटिंग होते हैं और कैसे बाइंड होते हैं। इसके बाद आपको बाइंडिंग होते हुए भी दिखाएंगे। ये भी भाई काउंट कर रहे हैं। इसके बाद काउंटिंग के बाद इसकी आगे का प्रोसेस भी आपको साथ के साथ दिखाते हैं। ये एक पैड में मलिक साहब कितने पेजेस आते हैं? 100 पेजेस होते हैं। तो ये तो आप बड़ी फास्ट फास्ट गिन रहे हैं, ये आप कितने कितने गिन रहे हैं? चार चार। चार चार, तो कितनी बार आपको 25 टाइम काउंट करना पड़ता है? 25 काउंट करके आप साइड पर रख देते हैं। तो बाद में इन्हें धो कर लेंगे दरमियान से आप? हाँ जी। चलें जी, ये गिनती हो गए, ये सारे हो गए गिनती। तो चलें फिर हम अब आगे की तरफ चलते हैं, इसके प्रोसेस की तरफ। जी तो गाइस, उसके बाद ये जो गत्ते होते हैं फिल किए जाते हैं, ये वो चीज़ है जो पैड के एंड में होती है हमेशा। तो ये गत्ते फिल हो रहे हैं, उसके बाद इसको बाइंड करने के लिए क्या चीज़ लगाई जाती है वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये देख रहे हैं आप कि कितने नफासत से काम किया जा रहा है और कितनी तेजी से इनका हाथ चल रहा है माशाल्लाह से। जी तो गाइस, आप देख सकते हैं कि इसे गिलू गम से बाइंड किया जा रहा है और अब इसके ऊपर अस्तर लगाया जाएगा। ये गिलू गम लगा कर इसे छोड़ दिया जाएगा और बाद में इसे हम अस्तर लगा लेंगे। ये बिल्कुल ही फिल किया जा रहा है इसे एंड तक कि कोई भी कागज़ सूखा ना रह जाए, चिपकने से ना रह जाए। ये बिल्कुल ही लगा लिया मलिक साहब ने। तो इंशाल्लाह आपको इसकी फुल प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे बाइंड किया जाता है। मलिक साहब, इसके बाद आप क्या करने जा रहे हैं? इसके बाद टाइटल लगेगा। टाइटल अभी लगा रहे हैं हम इसे खुश्क होने के बाद। चलें आप थोड़ा सा सब्र करते हैं खुश्क होने तक। जैसे ही खुश्क हो जाएगा तो हम इसका टाइटल लगाएंगे। ये देख सकते हैं कि ये हमने बाहर शिपिंग करवाना है इसे। ये फतूरा है ओमान का, वाया दुबई जाएगा ये। जी तो अब ये टाइटल लगाना हमने शुरू कर दिया है इस पर। ये आपको दिखाएंगे जी इसका टाइटल कवर कैसे लगता है। ये भाई टाइटल कवर लगा रहे हैं इस पर, देखें आप। सबसे पहले ऐसे उन्होंने गम लगाई है, गम लगाकर जो टाइटल का पेज का साइज़ है वो ऊपर रखा है और जस्ट इजीली उसे बैक से अब कवर कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। कवर अप इस तरह कर रहे हैं कि ये नेक्स्ट पर भी ग्लू गम लग रही है। अब हमें दोबारा उस पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हम उस पर पेज रखेंगे और हमारा नेक्स्ट पर भी ऑलरेडी लगा हुआ होगा। ये बहुत ही तरीके से काम किया जा रहा है। जी तो गाइस, ये हमने गम लगा लिया इन सब पैड्स को और अब हम इनकी फाइनल कटिंग करने लगे हैं। तो देखते हैं कि फाइनल कटिंग कैसे आती है इनकी। ये मलिक साहब आ गए हैं, अब ये इनकी फाइनल कटिंग करेंगे। ये इसको ऐसे ठोक रहे हैं कि बराबर हो जाएं। ये सब सीधे कर रहे हैं, उसके बाद जनाब ये कटिंग करने लगे हैं इनकी। देखें ये होता है इसे आगे पीछे करने के लिए, इसमें ये किनफ लगी हुई हैं इसकी। तो ये कटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले ये इसकी साइड्स उतारेंगे, उसके बाद इसे दरमियान से कट करेंगे और आगे देखते हैं कैसे करते हैं मलिक साहब। हो गई है तकरीबन, ये इलेक्ट्रिक कटर है इसके। और भी होता है एंड वो जो बगैर इलेक्ट्रिक के होता है वो भी कटर होता है इसमें।
देखे नाजरीन ये पैड हमारे बन गए हैं, ये हमने 10 पैड्स बनाए हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं, ये देखें ये बाइंड हो गए हैं हर तरह से, इनकी बहुत ही अच्छी बाइंडिंग हो गई है। उम्मीद है कि आपको हमारा काम पसंद आया होगा। जी तो गाइस उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। हम इसी तरह प्रिंटिंग के रिलेटेड और भी व्लॉग्स डालेंगे और आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे। तो इसी तरह पहले जिस तरह मोहब्बत की है आपने, इसी तरह नए व्लॉग्स में भी करेंगे। लाइक शेयर और बेल का घंटी का निशान दबाना नहीं भूलेंगे।